वेलकम बैक दोस्तों, यह है हॉरर लव हिंदी और आज हम देखेंगे एक ऐसी मूवी जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। इस मूवी का नाम है वेंजेंस। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक वीडियो टेप की फुटेजेस देखते हैं जिसमें ईव नाम की लड़की थी और उसका बॉयफ्रेंड उसे उसके कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था। ईव बहुत ही खुश थी और वो उसके बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। फिर हम एक बड़े से ट्रक को रेगिस्तान में जाता हुआ देखते हैं जिसमें से एक आदमी बाहर आकर अपने घर में जाता है और खाने के लिए कुछ बनाता है, जिसके बाद में वो खाना लेकर अपने बेसमेंट में जा रहा था जहाँ पर एक लड़की बंधी हुई थी और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मूवी की शुरुआत में दिखाई गई ईव ही थी। वो आदमी ईव से कहता है कि वो उसके लिए खाना लेकर आया है, लेकिन ईव उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती थी। उसने एक ईंट को अपने सिर के पास में छुपाया हुआ था और वो उस आदमी के ऊपर उसे दे मारती है, जिसके बाद में वो उससे चाबियां छीनकर खुद को आज़ाद करती है। फिर अब ईव बाहर आती है और वो पाती है कि वो रेगिस्तान के बीचों बीच में है। ईव वहाँ पर पड़ी हुई वैन से भागने की सोच ही रही थी, लेकिन उस गाड़ी की चाबियां उस आदमी के पास में ही थी और इसलिए ईव वापस घर में आकर उस ट्रक की चाबियां ढूंढती है। उसे अंदर एक गन और कई सारी गोली दिखाई देती है जिसे वो अपने साथ में सेल्फ डिफेंस के लिए रख लेती है। फिर ईव को वहाँ पर और भी कई सारी लड़कियों की फोटोज भी मिलती है जिन्हें इस आदमी ने किडनैप करके रखा हुआ था। फिर वहाँ पर ईव को एक डिलन नाम की लड़की का फोटो दिखता है जिससे उसे कुछ याद आ रहा था, लेकिन वो ठीक से उसे याद नहीं कर पा रही थी। और फिर ईव वहीं के बाथरूम में जाकर नहा लेती है और सोचती है कि बाकी की लड़कियों को भी किडनैपर से बचा लिया जाए। वो गन को लेकर वापस से बेसमेंट में जाती है और गन को उस आदमी के सिर के ऊपर रखकर बाकी की लड़कियों के बारे में पूछती है, जिस पर वो कुछ नहीं बताता। और ईव उसके कंधे पर एक गोली फायर करती है और वो आदमी कहता है कि वो एक ही शर्त पर बताएगा कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए ताकि वो गोली से ना मरे, और वो सभी लड़कियों के बारे में उसके बदले में बता देगा। ईव उस किडनैपर से प्रॉमिस करती है और वो आदमी कहता है कि बाकी की लड़कियाँ अलग अलग लोकेशंस पर हैं और उन्हें ढूंढने के लिए उन्हें यहाँ से निकलना होगा। फिर ईव ऊपर रूम में जाकर एक रोड में रस्सी से लूप बनाकर लाती है और उसे किडनैपर के गले में डालती है ताकि किडनैपर कोई भी चालाकी करे तो वो उस लूप को खींचकर उसका गला वहीं पर दबा दे। फिर ईव उस वैन में आकर बैठती है और वो किडनैपर उसे पहले घर में ले जाता है जहाँ पर वो लड़की बड़ा अजीब बिहेव कर रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, और ईव उसे कहती है कि वो यहाँ पर उसे बचाने के लिए आई है। वो लड़की ईव की एक भी नहीं सुनती और वहाँ से जल्दी जल्दी भागती है। वो लड़की इतनी ज़्यादा बौखलाई हुई थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो भागती भागती सीधा एक नुकीले तीरों पर गिर जाती है और वहीं पर मर जाती है, जिसे देखकर ईव को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो उस लड़की को नहीं बचा पाई थी। फिर ईव किडनैपर को बाहर लाकर उसे दूसरी लड़की के पास ले जाने को कहती है और वो उसे एक बिल्डिंग में ले आता है और कहता है कि दूसरी लड़की इस घर के अंदर है। ईव उस किडनैपर को घर के अंदर लेकर आती है जहाँ पर वो लड़की चेन से जकड़ी हुई थी। ईव किडनैपर को उस लड़की को खोलने को कहती है और वो किडनैपर उस लड़की को खोलते समय उसके कान में ये कह देता है कि ईव यहाँ पर उसकी जगह लेना चाहती है, और इसे सुनकर दूसरी लड़की पैनिक हो जाती है और वो ईव पर ही अटैक कर देती है। वो लड़की ईव से कहती है कि उसकी जगह यहाँ पर कोई नहीं ले सकता, और वो लड़की इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज थी कि वो ईव को मारने वाली थी और कोई रास्ता न होने के कारण ईव उस लड़की को अपनी गन से वहीं पर मार देती है। और इधर तब तक उस किडनैपर ने खुद को आज़ाद कर लिया था, जिसे देखकर ईव उसके पैर में एक गोली मारती है और उसके सर पर ब्लॉक से कई सारे वार भी करती है। तभी ईव की आंखों के सामने कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें वो बेसमेंट वाली लड़की थी और वो उसके पास में ही थी। फिर ईव किडनैपर को कार में लाकर बांध देती है जहाँ पर किडनैपर उसे कहता है कि वो उसे पुलिस के हवाले कर दे, और ईव कहती है कि कुछ लड़के अभी भी बची हुई है। वो किडनैपर को उन लड़कियों के पास ले जाने को कहती है और फिर धीरे धीरे किडनैपर ईव को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, जैसे कि वो किडनैपर बाकी लड़कियों को करता था। वो कहता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे ढूंढने की हर कोशिश की, जिस पर ईव उससे पूछती है कि वो रोनी को कैसे जानता है, और किडनैपर उससे कहता है कि वो रोनी को टीवी पर देखा करता था, जिसे सुनने के बाद में ईव को रोनी के साथ बिताया हुआ हर वक्त याद आता है। अब दोनों तीसरे घर में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक और लड़की भी चेन में जकड़ी हुई मिलती है, जिसे ईव खोल देती है और वहाँ पर दो आदमी एंटर होते हैं, और इन्हें देखकर ईव को याद आता है कि जब वो बेसमेंट में कैद थी तब ये दोनों आदमी वहाँ पर आया करते थे और वो लगातार और कई बार ईव का रेप भी करते थे। अपने साथ हुए इस व्यवहार और रेप से ईव को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत उन्हें वहीं पर गोलियों से मार देती है।
जिसके बाद में वो वहाँ पर से उस लड़की के बाहर आने में मदद करती है। वो दोनों वैन में आकर बैठते हैं, लेकिन वैन स्टार्ट नहीं होती। ईव को बड़ा गुस्सा आ रहा था और अगेन ईव की आंखों के सामने बेसमेंट वाली लड़की का फ्लैशबैक आ रहा था। जिस लड़की के साथ में ईव बाहर आई थी उसका नाम लिया था, और वो किडनेपर को वैन में देखकर नहीं पहचान पाती और कहती है कि ये वो किडनेपर नहीं है जिसने उसे किडनैप किया था, ये कोई और आदमी है। ईव फिर उस किडनेपर से बाकी लड़कियों के बारे में पूछती है, और फिर किडनेपर उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग में ले जाता है, जहाँ पर ईव और लिया अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कई सारी लड़कियाँ किडनैप हैं। वे लड़कियाँ ईव को बताती है कि पहले उन्हें किडनैप करके कहीं और रखा गया था, और फिर कुछ समय के बाद में यहाँ पर लाया गया, और अब उन्हें यहाँ से दूसरी जगह बेचा जाएगा। ईव को महसूस होता है कि यहाँ पर और कोई भी है, और वो बाहर आकर देखती है तो उसे पता लगता है कि किडनैपर ने खुद को आज़ाद कर लिया है। उसने वैन में रखे फ़ोन से किसी को फ़ोन लगाया था, और अंदर आकर ईव लिया से कहती है कि वो लड़कियों के साथ में ही रहें और पुलिस को फ़ोन करके बुलाए। ईव जब वापस वैन के पास पहुंचती है तो वहाँ पर किडनैपर ईव का ध्यान भटकाता है, और पीछे से एक और आदमी आकर ईव को पंच करके गिरा देता है। ये दूसरा आदमी वही था जिसने लिया को किडनैप किया था, और ये अब ईव को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर लिया पहुँच जाती है और उसे एक बड़ी सी हैमर से पीट कर मार डालती है। इधर ईव को किडनैपर ने पकड़ रखा था, और लिया उसकी ओर गन करके उसे किडनैपर से छुड़वाती है, और फिर गुस्से में आकर ईव किडनैपर के पैर में हथौड़े से वार कर करके उसके पैरों को तोड़ डालती है, और वो उससे बाकी लड़कियों के बारे में पूछती है। वो उन्हें आखिरी लड़की की लोकेशन के बारे में बताता है, जिसके बाद में ईव और लिया उस लड़की को बचाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते समय किडनैपर के फ़ोन पर एक वॉइस मैसेज आता है, जिसमें किडनैपर की वाइफ उससे वापस आते समय कुछ सब्जियां लाने को कह रही थी, और उसकी बेटी उसका घर पर इंतज़ार कर रही थी, जिससे कि ईव को ये पता लगता है कि किडनैपर का नाम फिल है और उसका भी एक परिवार है। फिर ईव और लिया आखिरी घर में पहुँचते हैं, जहाँ पर अंदर आने पर ईव देखती है कि अंदर रोनी मतलब कि उसका बॉयफ्रेंड बड़े मज़े से बैठा हुआ है। रोनी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उससे हग करना चाहता था, लेकिन ईव को उसके ऊपर शक था। वो उससे सवाल करती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर वो कहता है कि उसने अपना पुराना घर बदल लिया है, और वो उससे फिर से देखकर बहुत ज़्यादा खुश है। ईव उसकी बातों में आ जाती है और अपनी गन को नीचे कर लेती है, लेकिन तभी उसे दीवार के पीछे से एक लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और वो यहाँ पर देखती है कि रोनी के कई लड़कियों के साथ में फ़ोटोज़ हैं। ईव रोनी से कमरे का दरवाज़ा खोलने को कहती है, और जैसे ही रोनी उस दरवाजे को खोलता है, अंदर वही किडनैप की हुई आखिरी लड़की मौजूद थी, जिसे देखकर ईव को समझ आ गया था कि रोनी भी बाकी सभी लोगों के साथ में मिला हुआ है, जो कि सब के सब मिलकर रैकेट चलाते हैं और लड़कियों को किडनैप करके बेचते हैं। ईव को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो अपना गुस्सा रोनी को मारकर निकालती है। बाहर किडनैपर वैन में था और भागने की कोशिश में था, लेकिन वैन स्टार्ट न होने के कारण वो भाग नहीं पाता, और फिर ईव खुद बाहर आती है किडनैपर को मारने के लिए, और इधर लिया पुलिस को कॉल करके बुला लेती है। किडनैपर लिया से कहता है कि उसने उसका वादा पूरा किया, और अब वो उसका हॉस्पिटल ले जाने का वादा पूरा करे, लेकिन लिया कहती है कि अभी एक और काम बचा हुआ है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर ईव रोनी से फील है यानी कि उस किडनैपर का एड्रेस ले रही थी, और वो उसे वहाँ जाने के लिए मना करता है, जिसके बाद में ईव किडनैपर को उसके घर के बाहर छोड़ देती है, ये सोचकर कि उसकी भी बीवी और बच्चे हैं। और फिर ईव को याद आता है कि उसके साथ में जो लड़की बेसमेंट में थी वो उसकी बहन थी, जिसके साथ भी किडनैपर ने रेप किया और उसे वहीं पर मार डाला था। और ये सारी बातें याद आने के बाद में ईव फिर से किडनैपर के घर पर जाती है उसकी बहन का बदला लेने के लिए, जहाँ पर किडनैपर की बेटी वहाँ का दरवाज़ा लगा ही रही थी, और इतने में ईव उस दरवाजे को लगाने से रोक लेती है, जिससे कि हमें पता लगता है कि ईव ने किडनैपर को छोड़ने का इरादा बदल लिया है, और अब उसे भी दूसरों की तरह मारने वाली थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और ऐसी और भी मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए, जहाँ पर आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और हाँ, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।